कैसा प्रकाश है? जैसा कि माता ने बताया था, प्रतीत होता है यही महापाताल का सबसे अंतिम और सप्तम तल है। किंतु वो द्वार कहाँ है जो मुझे उस स्थान तक ले जाएगा जहाँ दुष्ट महिरावण ने मेरे प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण को रखा है? पूर्णतः निर्जन स्थान है ये, कहीं किसी और द्वार पर तो नहीं पहुँच गया मैं तो यहाँ सेना की अपेक्षा कर रहा था, परंतु यहाँ तो कोई नहीं है। पाताल लोक में मकरध्वज 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 मकरध्वज। है ये वानर जिसने अपने एक ही प्रहार से मुझे हिला दिया? सेना की अपेक्षा थी ना तुम्हें? मैं किसी सेना से कम नहीं। इसने मुझ पर इतना बड़ा वार किया, परंतु मेरे हृदय में इसके प्रति क्रोध क्यों नहीं जागृत हो रहा है? यहाँ तक तो तुम अपने पग बढ़ाते हुए पहुँच गए हो, परंतु इसके आगे नहीं, अब पीछे ही जाएंगे तुम्हारे पग। जो हाथ इस पर प्रहार करने के लिए उठा था वो हाथ अकस्मात रुक कैसे गया? मेरे प्रहार से तो पर्वत भी चकनाचूर हो जाते हैं, परंतु मैं इसको तनिक भी क्षति नहीं पहुंचा पा रहा हूँ। कौन है ये? किस धातु का बना है? मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि जैसे इससे मेरा कोई परिचय कोई संबंध हो? समस्त वानर प्रभु श्री राम की ओर से युद्ध कर रहे हैं, परंतु इस शक्तिशाली पराक्रमी वानर को राक्षसों की सहायता करते देखकर भी मुझे इस पर क्रोध क्यों नहीं आ रहा है? ये कोई साधारण वानर नहीं है, अन्यथा अभी तक मैं इसे हताहत कर चुका होता।
मैं जिस कार्य के लिए यहाँ पर आया हूँ उसे किसी भी अवस्था में अधूरा नहीं छोड़ सकता, इसलिए तुम हट जाओ मेरे रास्ते से। तुम जिस भी कार्य के लिए आए हो यहाँ, मैं अपना कार्य इस द्वार की रक्षा पूर्ण निष्ठा से करूंगा, आगे नहीं बढ़ने दूंगा तुम्हें। आगे बढ़कर ही रहूंगा मैं। आश्चर्य, असंभव को कैसे संभव कर दिया इसने। मेरे प्रचंड हस्त का वार राक्षस वानर कोई नहीं सह पाता, परंतु ये तो अब भी खड़ा है। तुम्हें ज्ञात नहीं है तुम किससे संघर्ष कर रहे हो। तुम्हारे किसी भी वार का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होगा। चकित रह जाओगे मेरा परिचय जानकर। मैं मकरध्वज हूँ, मकरध्वज हूँ, मकरध्वज हूँ। महाबली हनुमान का पुत्र, हनुमान का पुत्र, हनुमान का पुत्र। हनुमान का पुत्र मकरध्वज हूँ मैं, ध्वज हूँ मैं, ध्वज हूँ मैं। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। विभिन्न खेल जेका रच राखा, स्वयं के अंश से मिले शिवांशा। किंकर तप विमूढ़ कपि भाई, किस विधि पुत्र पे शस्त्र उठाई। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। क्या हुआ, मेरे महाबली पिता का नाम सुनते ही चेतना लुप्त हो गई तुम्हारी? चेतना तो तुम्हारी लुप्त हो गई है तुम्हारे इस मूर्खतापूर्ण और मिथ्या कथन पर। मुझे जानते हो कौन हूं मैं? मैं हूं हनुमान, हूं हनुमान, हूं हनुमान। अखंड ब्रह्मचारी हूँ मैं, ब्रह्मचारी हूँ मैं, ब्रह्मचारी हूँ मैं, ब्रह्मचारी हूँ मैं। ना तो मेरी कोई पत्नी है ना ही कोई पुत्र, मैं तो मात्र एक भक्त हूं, प्रभु श्री राम का सेवक। हे ईश्वर, मैंने अपने ही पिता पर प्रहार किया। क्या हुआ, हतप्रभ हो गए कि मेरे सामने तुम्हारे मिथ्या कथन का सत्य सामने आ गया? मैंने आप पर ही प्रहार कर दिया, मुझे क्षमा करें पिताश्री।
पहचान नहीं पाया था मैं आपको। आज आपके दर्शन पाकर आपका यह पुत्र मकरध्वज धन्य हो गया। मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताश्री। बस बहुत हो गई कपट क्रीड़ा, अब अपना ये मायावी रूप त्यागो और राक्षसी रूप धारण करो। अवश्य ही तुम कोई राक्षस हो जिसे महिरावण ने मेरा मार्ग रोकने के लिए तुम्हें नियुक्त किया है। नहीं पिताश्री नहीं, मैं मकरध्वज आपका पुत्र हूं। तुम्हारी इस मायावी क्रीड़ा के लिए मेरे पास समय नहीं है। मेरे प्रभु का जीवन संकट में है। शीघ्र बताओ कि मही रावण कहां है, अन्यथा तुम्हारी जीवन लीला यहीं पर समाप्त कर दूंगा मैं। पिताश्री, मुझे इस महापाताल की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया गया है, किंतु यह भी पूर्णतः सत्य है कि मैं आपका पुत्र हूं। आप अखंड ब्रह्मचारी हैं, सत्य है पिताश्री। सत्य है आपका विवाह भी नहीं हुआ है, किंतु मेरा जन्म आपके अंश से ही हुआ है पिताश्री। देखिए ना, आपके सदृश ही दिखाई देता हूं मैं, आपके समान ही बलशाली हूं। यदि मैं तुम्हारी बात मान भी लूं, तो यह कैसे संभव है कि मुझे मेरे ही पुत्र के बारे में कुछ ज्ञात नहीं? इसलिए अब यह अनर्गल प्रलाप बंद करो। यदि आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है, तो मैं बताता हूं कि किस प्रकार मैं आपका पुत्र हुआ। तब आपको स्वयं ही ज्ञात हो जाएगा कि क्या सत्य है और क्या मिथ्या। तुम मेरा समय नष्ट कर रहे हो और कुछ नहीं। आपको मेरे जन्म की कथा सुननी ही होगी। ये उस समय की बात है जब आप लंका दहन करने के पश्चात लौट रहे थे। तब अनवरत श्रम के कारण आपकी देह से श्वेत की कुछ बूंदें जाकर समुद्र में गिर गई थी। मेरी माँ जो एक मकरी थी, उन्होंने उन बूंदों को निगल लिया था और उसी क्षण आपके अंश से उनकी कुक्षी में मेरा बीजारोपण हो गया था। उसके तत्काल पश्चात ही मेरी मकरी माँ एक मछुआरे के जाल में फंस गई और जो उन्हें महापाताल में ले गया, जहाँ मेरा जन्म हुआ। मेरे जन्म लेते ही मेरी माँ मकरी से गंधर्व कन्या में परिवर्तित हो गई। वास्तव में वो गंधर्व कन्या ही थी जिन्हें एक श्राप के कारण मकरी बनना पड़ा था। दुर्भाग्य से उन्हें गंधर्व लोक प्रस्थान करना आवश्यक था, इसलिए अश्रुपूरित नेत्रों के साथ उन्हें मुझे छोड़कर जाना पड़ा। उनके जाने के पश्चात मैं बहुत ही शीघ्रता से बड़ा होने लगा। मछुआरे मुझे इस प्रकार बड़ा होते देखकर आश्चर्यचकित थे। मैं 5 दिन में ही 5 वर्ष के बालक के समान दिखाई देने लगा। ये देखकर मछुआरे मुझे महापाताल लोक की राजसभा में ले गए। वहां की राजसभा में देवी दुर्दुभी के प्रयासों से मुझे महापाताल लोक की रहवासी की मान्यता मिल गई और मेरे युवा होते ही मेरी योग्यता और मेरे बल को देखकर मुझे पाताल के सप्तम तल की सुरक्षा का दायित्व सौंप दिया गया। और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी इस मनगढ़ंत कथा पर विश्वास कर लूं? मनगढ़ंत नहीं, ये सत्य है पिताश्री। स्वयं नारद जी ने मुझे ये सब बताया था। जब मैंने पिता के बारे में जानने के लिए बाल्यावस्था में निराहार रहकर तपस्या की थी, तब नारद जी ने स्वयं दर्शन देकर मुझे बताया था, मकरध्वज जो अतुलित बल के धाम है, जिनके हृदय में बसते प्रभु श्री राम हैं, ऐसे एकनिष्ठ भक्त, अपने कार्य के प्रति समर्पित महापराक्रमी, जगत के संकट मोचन महाबली हनुमान ही तुम्हारे पिता हैं।
मेरा विश्वास कीजिए पिताश्री, देवर्षि नारद जी के आशीर्वाद से आज मुझे आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने ही कहा था आप राम काज के लिए आएंगे। आपके चरणों में बारंबार नमन पिताश्री। पुत्र, देवर्षि नारद जी का कथन असत्य नहीं हो सकता पुत्र मकरध्वज। कदाचित इसलिए तुम्हें देखकर स्नेहासिक्त हो रहा था मैं। मकरध्वज, मकरध्वज, मेरे पुत्र, पुत्र, पिताश्री। प्रथम तया कपि पुत्र को पाई, प्रेमा वेग मह गले लगाई। विहल पुत्र पिता हो आए, शिव गौरी देखी हर साए। हनुमान, दोनों रघुवंशियों की बलि चढ़ाने के लिए महीरावण ने उन्हें देवी महामाया के मंदिर में रखा है। तुमसे मिलकर प्रसन्नता हुई पुत्र, किंतु अभी मेरे पास समय का अभाव है। जैसा कि देवर्षि ने तुम्हें बताया था कि मैं प्रभु श्री राम के काज के लिए यहाँ पर आऊंगा, वो सत्य है। मुझे शीघ्र जाकर महिरावण को प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण जी की बलि देने से रोकना है। पुत्र, अब मुझे शीघ्र बताओ कि महिरावण कहाँ है। उसने प्रभु और उनके अनुज को कहाँ रखा हुआ है। पुत्र, उन तक पहुँचने का मार्ग कहाँ से है, क्योंकि दुर्दुभी मोह नदी से बलि का जल लेकर पहुँचते ही होगी। पिताश्री, दो तपस्वियों को महाराज महिरावण लेकर आए हैं, वही प्रभु श्री राम और उनके अनुज होंगे। उन्हें महाराज महिरावण ने पाताल लोक के राजभवन के उत्तरी भाग में स्थित पूजा कक्ष में अपनी निगरानी में रखा हुआ है। उनका जीवन संकट में है, मुझे शीघ्र वहां जाकर उन्हें बचाना होगा। पिताश्री, पिताश्री, पिताश्री। किंतु क्षमा करें पिताश्री, आप वहां नहीं जा सकते। आप वहां नहीं जा सकते। पुत्र, ये क्या कह रहे हो। जब तक मेरे हाथ खुले हुए हैं और मैं द्वार के समक्ष खड़ा हूँ, तब तक मैं आपको पाताल लोक के राजभवन में नहीं जाने दूंगा। पुत्र होकर अपने पिता को रोकोगे, वो भी ऐसी स्थिति में जब तुम्हारे पिता के आराध्य प्रभु के प्राण संकट में हैं। ये कर्तव्य निष्ठा कदाचित आपसे ही प्राप्त हुई है मुझे पिताश्री। जिस प्रकार आप अपने प्रभु के लिए समर्पित हैं, उसी प्रकार मैं भी अपने स्वामी के प्रति निष्ठावान हूँ। स्वामी निष्ठा ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है पुत्र। तुम्हारा कर्तव्य प्रशंसनीय है, किंतु मुझे श्री राम काज से कोई नहीं रोक सकता। मेरे पास समय बहुत ही कम है, इसलिए मेरे मार्ग से हट जाओ। मैं विवश हूं पिताश्री, सेवक धर्म से बंधा हुआ हूं मैं। और अपने कर्तव्य पथ से
मैं भी पीछे नहीं हट सकता पुत्र। पुत्र, यदि तुम मेरे कर्तव्य के मार्ग में बाधा न बनते तो मैं कभी भी तुम पर हाथ नहीं उठाता। दुर्भाग्य है ये मेरा जो मैं विवश हूँ अपने पिता के विरुद्ध शस्त्र उठाने के लिए, किंतु मुझे भी मेरा धर्म निभाना है पिताश्री। तो तुम अपना धर्म निभाओ, मैं अपना कर्तव्य निभाता हूँ। संभालो मेरा प्रहार। संबंध से भी बड़ा होता है व्यक्ति का कर्म, इसलिए व्यक्ति को अपने कर्म से कभी विमुख नहीं होना चाहिए।